गुमला में अजीबोगरीब घटना घटी है। दरअसल वीडियो में कर्मचारी कार के पहिए में हवा भर रहा है। हुआ यूं कि हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता ने अनुमंडल कार्यालय के समीप वाहन को खड़ा कर दिया था, जिसके बाद एक कर्मचारी आया और खड़ी कार का तीन चक्के का हवा खोल दिया। अब सवाल ये है कि किसके आदेश पर खड़ी कार की हवा खोली गई, जबकि कैंपस में नो एंट्री का बोर्ड भी नहीं है। वहीं पास में अन्य वाहन भी खड़ी है, लेकिन अधिवक्ता ही कार की हवा को खोल गया है। ताज़ा मामला आज गुमला सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के बाहर इसी तरह का वाकया नजर आया, जब झारखंड उच्च न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता ने अपनी कार कोर्ट परिसर में एसडीओ के चैम्बर के पास बने गोलंबर के समीप अपनी कार खड़ी कर न्यायालय की ओर गई थी। इस बीच सदर अनुमंडल पदाधिकारी अपने कार्यालय के रास्ते पर कार खड़ी देख उक्त कार के तीनों चक्कों की हवा कर्मचारी जे द्वारा निकलवा दिया गया। वहीं इसकी सूचना महिला अधिवक्ता को दी तो वो आकर अपनी कार देखी और वहां खड़े एसडीओ के कर्मचारी से पूछा कि ये काम किसने किया, कौन कार के चक्के की हवा निकाला। तो कर्मचारियों ने कहा कि एसडीओ साहब के आदेश से निकाली गई है, जिसके बाद महिला अधिवक्ता एसडीओ के चैम्बर में जाकर कहीं कि आपने कहीं नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगाया, इसलिए मैं वहां कार को खड़ी की और लोगों की भी भीड़ वहां खड़ी है, तो सिर्फ आपने मेरी ही गाड़ी की हवा निकालने का आदेश दिया। इस कानून के तहत दिया है, यदि नो मार्किंग जोन है तो आप फाइन कर सकते थे। हमारी गाड़ी में अधिवक्ता का बोर्ड लगा है, आप बुलवा कर बोल सकते थे, फाइन कर सकते थे। जब हमारे जैसे कानून का सम्मान करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति से आपका इस तरह का व्यवहार है तो आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। इस पर एसडीओ ने कहा कि मैंने किसी तरह का कोई आदेश किसी को नहीं दिया। एसडीओ ने इस घटना से अपने को अभिनज्ञ बताया और महिला अधिवक्ता की परेशानी को देखते हुए उन्होंने कर्मचारियों को कार में हवा भरने का निर्देश दिया। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। हाँ, एक अधिवक्ता हमारे सामने अभी को हमारे ऑफिस में आए थे। उनका कहना था कि हमारे ऑफिस के कर्मियों ने उनकी गाड़ी की हवा निकाल दिया और इससे जो है उनके गाड़ी को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने अपने ऑफिस के कर्मियों से पूछताछ की तो उनके द्वारा बोला गया कि ऐसा उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, परंतु महिला अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि हमारी गाड़ी में हवा भरवा दीजिए, अदरवाइज हम नहीं जा पाएंगे। उसी के आलोक में हमने अपने कर्मी को निर्देश किया है कि उनकी गाड़ी में हवा भरवा दिया जाए। आपके लीडर से आपके आर लगे थे? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया किसी को। हमने ठीक है, तब अपना ऑफिसर को बुला के पूछिए, मेरा गाड़ी को फिर आप हवा भरवाइए, क्योंकि कानून ये कहता है ना, अगर नो पार्किंग में, मैं खुद एक लीगल ऑफिसर हूँ, तो नो पार्किंग में अगर मैंने मेरी गाड़ी लगाया दैट इज़ माई फॉल्ट, तो उसके लिए कानून कहता है पेनाल्टी इम्पोज करिए। तो आपको पेनाल्टी इम्पोज करना था, गाड़ी में छेड़छाड़ करने का, उसको टायर पंचर करने का राइट किसी को भी नहीं है। तो मैंने वही उनको बोला कि कानून के ऑफिसर हैं हम लोग, और हम ही लोग अगर कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो आम आदमी के साथ हम लोग क्या करेंगे। और जब मेरे साथ ऐसा आपने किया एक लीगल ऑफिसर के साथ, तो एक आम आदमी के साथ क्या स्टेप लेते होंगे आप। मैंने यही बोला तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और फिर उन्होंने अपने ही ऑफिसर को बोल करके मेरा टायर का पूरा हवा भरवा दिया है। तो इसीलिए मुझे अब कोई ग्रीवांस नहीं है और नेक्स्ट टाइम उनसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम उस तरह का कोई हरकत नहीं होगा और आम आदमी किसी को भी परेशानी नहीं होगी उनके माध्यम से। क्या नाम है? सुनीता कुमारी, एडवोकेट झारखंड। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।